खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह के नामांकन भरने के बाद आज लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह के सामने चुनाव लड़ने जा रहे सपा से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वो रोड शो में भी शामिल हुए। वहीं एमकेएन न्यूज से बातचीत में सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए, साथ ही उन्होंने जनता के लिए हमेशा काम करते रहने की बात कही। गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा पार्टी कार्यालय से नामांकन के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। रविदास मल्होत्रा एक रथ पे सवार हैं, जिनके साथ विधायक अरमान भी मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि हर तरफ नारों से गूंज रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद, रविदास मल्होत्रा जिंदाबाद। रविदास मल्होत्रा आज नामांकन करने जा रहे हैं, पार्टी कार्यालय से निकल चुके हैं। साफ तौर पे कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है, एक वो देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं के अंदर एक खुशी की लहर है। रविदास मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है, आज नामांकन करने जा रहे हैं, भारी मात्रा में भीड़ दिखाई। क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम करेंगे। 15 साल से यहाँ पर भाजपा का राज है लोकसभा क्षेत्र। देखिए, यहाँ पर जनता खड़ी हो गई है, जनता भाजपा को हराने का काम करेगी, और बहुत बड़े अंतर से हम जनता को हराने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन कितना कामयाब रहेगा? इंडिया गठबंधन पूरा कामयाब रहेगा, और केंद्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार लोकसभा सीट पर समाजवादी अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, एमकेएन न्यूज, लखनऊ। देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते हैं। पिछले 49 वर्षों में जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं, और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हमको बाद में पुलिस लाइन से रिहा करने का काम किया है। हम लोग लगातार जनता की एक आवाज पर जनता के पास पहुंचते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है। तो ये सपा का गढ़ है, और समाजवादी पार्टी इस बार जो है भाजपा को बड़े अंतर से चुनाव हराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। बहुत लाभ मिल रहा है, जनता को ये बात मालूम है कि हम लोग 49 सालों से लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं, जनता की एक आवाज पर जुल्म के खिलाफ पहुंचे हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया है, और सड़क से लेकर लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, तब सांसद जी लापता थे, हम लोग जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में रहेंगे। इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है, जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा आज नामांकन करने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी नेत्री पूजा शुक्ला है, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है, आज नामांकन करने जा रहे हैं रविदास मल्होत्रा जी? आज नामांकन करने जा रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, लखनऊ उज्जवल भविष्य के लिए 20 मई को वोट करेगा और 4 जून को रविदास मल्होत्रा जी सांसद बन करेंगे। 15 साल से इस सीट पे भाजपा का कब्जा है, क्या लगता है इस बार क्या परिणाम? देखिए, लखनऊ की जनता अपने उज्जवल भविष्य के लिए वोट करने जा रही है, और जो रविदास मल्होत्रा जी हैं, वो 50 साल से ज्यादा हो गया वो सक्रिय राजनीति में लखनऊ के, उन्होंने लखनऊ के लोगों के लिए संघर्ष किया है, लखनऊ के बेटे हैं वो, तो लखनऊ की जनता अपने बेटे को चुनाव जिताने जा रही है। मंत्री के खिलाफ रविदास मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव नामांकन में नहीं मौजूद है, वो मैनपुरी में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही उनको टिकट दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपना समर्थन दिया, नामांकन में रहना जरूरी था, ये बहुत अहम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूर्व अनुमानित कार्यक्रम लगे हुए हैं, आज आने वाले समय में राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका गांधी जी भी आएंगे, और अखिलेश यादव जी भी आएंगे इनके रोड शो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा शुक्ला मौजूद थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लोकसभा सीट, लखनऊ की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, एमकेएन न्यूज।